हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, राखी आ रही है और आज हम लोग बनाने वाले हैं राखी, वो भी होममेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खूब सारे कलरफुल पेपर्स ले लिए हैं। जो भी आपका फेवरेट कलर हो, मतलब आपको जो भी कलर्स आपके पास में अवेलेबल हो, आप वो भी ले सकते हो। इसके बाद में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, उसकी मैंने स्ट्रिप कट करी है। तो यहाँ पे मैं एक लंबी सी बड़ी स्ट्रिप कट करूँगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप को कट कर दिया है, ये देख सकते हो आप लोग। इसके बाद में हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग अपने जितने भी हमने कलर्स के पेपर लिए थे, उन सभी कलर्स के पेपर्स की हमको स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक स्ट्रिप ली है और ये ऐसे फोल्ड करना है। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे ऐसा बनाना है। तो इसके लिए हमको दो पार्ट में से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बराबर, पहले उसे बराबर ही में फोल्ड करा, फिर उसमें उसको कट कर दिया। तो ये इसी तरीके से हमको खूब सारी अपनी करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमको ऐसे करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ग्लू लगा लेते हैं और यहाँ पे हमने ग्लू लगाया और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमको ये खूब सारी बना लेनी है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैंने ये खूब सारी बना ली है। आप लोग भी इस तरीके से बना लेना जितने भी आपके पास पे कलरफुल होंगे, जो भी पेपर्स लेते हैं। अभी हम लोगों को चाहिए होगी एक थिन कार्डबोर्ड शीट। जो भी कार्डबोर्ड्स आते हैं ना, जो साड़ी के डब्बे होते हैं या फिर नए कपड़ों में से जो भी कार्डबोर्ड निकलता है, उसी को आप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ले रही हूँ, मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। आप कोई भी चीज़ ले सकते हो जो कि सर्कल में हो, और उसे मैंने मार्क करके कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पीस आ चुका है कट होके। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, ये हम लोग ने पीस लिया। अब इसके बाद में जो हम लोगों ने ये फ्लावर की पेटल बनाई थी, इस टाइप में हम लोगों को इसे ग्लू करना है। तो चलिए अब हम लोग इसे ग्लू करेंगे। तो आपको मैं आपको पैटर्न दिखा रही हूँ कि इसे हमको किस पैटर्न में बनाना है। तो आप देख सकते हो, आप चाहो तो खूब सारी और भी पेटल बना सकते हो, मैंने बस इतनी बनाई थी। इसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो रेड कलर की ग्लिटर शीट होती है, वो ग्लिटर शीट मैं यहाँ पे ले रही हूँ और उसको भी हम लोग सर्कल में कट कर लेंगे। तो वही मैंने सर्कल लिया है जो मैंने पहले लिया था। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस सर्कल को ऐसे इसके बीच में रखेंगे। बीच में रखने के बाद हम लोग इसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट कर देते हैं इसके बीच में। और फ्रेंड्स, सचमुच में ये बहुत ही सुंदर सी राखी बनने वाली है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने कर दिया है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो। और यहाँ पे मैं कुछ डेकोरेशन करूँगी, आपके पास में जो भी डेकोरेटिव चीज़ें हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये मिरर ली है और ये कुछ बीन्स ली हैं। तो इनको हम लोग ग्लू की हेल्प से ऐसे लगा देंगे और फिर ग्लू कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए ग्लू कर देते हैं। आपके पास जो भी डेकोरेटिव थिंग हो आप उसे लगा सकते हो यहाँ पे। और ये देखो हमारी कितनी सुंदर सी होममेड राखी तैयार हो गई है। और बस इसमें एक चीज़ की कमी है, इसमें अब हम लोग एक रिबन लेंगे। रिबन आपको जो भी कलर अच्छा लगता हो वो रिबन का कलर ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन रिबन ली है और चाहो तो आप रेड ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो। ओके, तो जो भी कलर लेना हो वो ले सकते हो। इसके बाद में हम लोगों ने क्या करा है, इसको पेस्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग एक और सर्कल लेंगे। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। आपको बताती हूँ ये सर्कल हमें किस चीज़ के लिए चाहिए। तो आपको सेम वैसा ही सर्कल कट करना है एक और। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वो सर्कल कट हो गया है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये जो हम लोग ने राखी बनाई है इसको हम लोग पलटेंगे। पलटने के बाद में ये जो हमने रिबन थी, रिबन को उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर इस कार्डबोर्ड शीट को रख देंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसे पेस्ट करेंगे। तो चलिए पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने ले ली है अपनी रिबन। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी राखी को ऐसे रखेंगे जो भी हम लोगों ने फ्लावर बनाया है। पहले तो हम लोग अपनी रिबन को पेस्ट करेंगे। और रिबन को पेस्ट करने के बाद वो जो हम लोग ने कार्डबोर्ड लिया था, जिसको हम लोगों ने सर्कलर में कट करा था, उसको ऊपर से पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो रिबन है वो निकलेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से आपकी राखी बन जाएगी। और आपकी राखी में से मतलब ये जो भी फ्लावर है वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने लगा दिया। पहले मैंने राखी को पेस्ट किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना सर्कल और हमारी राखी तैयार है।
एंड आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग भी ऐसी राखी ज़रूर से ट्राई करिएगा, और वो भी होममेड, काफ़ी इजी राखी है ना फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स में इस राखी को भी शेयर करिएगा और इस राखी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड हैप्पी रक्षाबंधन, एंड ये आप ज़रूर से ट्राई ज़रूर करिएगा, ये राखी काफ़ी सुंदर है और आपके भाइयों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन अगेन, बाय बाय।